हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वैसे तो मेरे पास ना मेकअप के बहुत सारे ब्रशेस हैं, लेकिन फिर भी स्पेशली आई मेकअप के लिए मुझे बहुत ही बढ़िया ब्रशेस चाहिए थे, जो मैं बहुत ही टाइम से ढूंढ रही थी। क्योंकि फेस के तो हम फिर भी ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह यूज़ करके कर लेते हैं, लेकिन आई मेकअप के लिए ब्रशेज चाहिए होते हैं। तो प्रून पे चल रही थी बहुत ही बढ़िया सेल, मैंने सेल का उठा लिया ज़बरदस्त फ़ायदा। और यहाँ से मैंने जो पहले इसका रिव्यू वगैरह पढ़ा, काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ देखे, वीडियोस देखी, उसके बाद जब तसल्ली होगी कि हाँ इसके ब्रशेस अच्छे होंगे, तब जाके मैंने इसको मंगाया। और थैंक गॉड कि वो जो ब्रशेस थे सच में बहुत अच्छे निकले, जैसे रिव्यूज़ वगैरह थे उस हिसाब से बहुत अच्छे थे। क्योंकि ना ब्रशेस काफ़ी महंगे आते हैं, और अगर हल्का सा भी ब्रशेस हार्ड हो या उसके ब्रिसेस बढ़िया ना हो ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस तरीके से स्पेशली मैंने आई के ब्रशेस मंगाए। तो इस तरह से ये 5 ब्रशेस, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी आई मेकअप के लिए, तो ये वाले मैंने आई मेकअप के लिए ब्रशेस मंगाए। अभी जो आई मेकअप है ना, हल्का हल्का मैंने आंसू बहुत लाइट किया, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, तो लाइट मेकअप मैंने इन्हीं ब्रशेस का यूज़ करते हुए किया है। ठीक है, तो चलो अभी आपको बताती हूँ। ये वाला आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ किया है। इस वाले आई शेडो पैलेट का भी रिव्यू मैंने वीडियो शेयर कर दिया है, या तो पहले पोस्ट करूँगी या बाद में पोस्ट करूँगी। पहले शायद आई शेडो पैलेट का वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगी, ठीक है, उसके बाद में ये ब्रशेज़ वाला। तो ये ब्रशेज जो है ना, 5 ब्रशेज हैं, 5 ब्रशेज ही मेकअप में हमारे यूज़ होते हैं। इसमें जो है ना, सबसे बड़ा वाला जो फ्लफ़ी ब्रश है, ये वाला है सबसे। ये मैंने यूज़ कर लिया, 2-3 बार यूज़ कर लिए मैंने, जब अच्छे लगे ना, इसीलिए उसके बाद ही रिव्यू शेयर कर रही हूँ मैं। ये नहीं कि आते ही वीडियो बना दी पर यूज़ करें नहीं। तो देखो ये सब मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा फ्लफ़ी ब्रश है ना, वो ये वाला है ना। तो ये वाले ब्रश को हम यूज़ करेंगे सबसे पहला कलर अप्लाई करने के लिए, जो होगा हमारा ट्रांजिशन शेड, जो बहुत ही हल्का होगा, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन शेड हमारी पूरी आईलिड्स पे लगता है। तो उसके लिए बहुत ही स्मूथ इसकी ब्लेंडिंग है, बहुत ही स्मूथ इसके ब्रिसल्स हैं। तो उससे हम इसको ब्लेंड करेंगे। सबसे पहला वाला ये वाला ब्रश लिया, उसके बाद धीरे धीरे करके हम अपना क्रीज़ को बिल्ड करेंगे। क्रीज़ के लिए हम ये वाला ब्रश लेंगे। ये वाला भी मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, बट इससे भी हम क्रीज बिल्ड कर सकते हैं। सेम ही चीज़ था ना, मेरे पास वेगा का ब्रश भी था, तो इसके ब्रिसल्स मुझे थोड़े से छोटे लग रहे थे। मैंने कहा इससे थोड़ा सा और डिफाइन हम क्रीज को बिल्ड कर सकते हैं, तो फिर मैंने इससे किया था। वेगा का है ये, पर इससे भी इसके ब्रिसल्स भी स्मूथ हैं। तो मेरी आईज थोड़ा सा मुझे छोटा चाहिए था, तो पर हम इससे भी है अपने क्रीज पे आई शेडो को बिल्ड करेंगे, थोड़ा और डार्क कलर लेके, मतलब ट्रांजिशन से हल्का सा ज़्यादा डार्क कलर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हमें प्रिसाइज होते रहना है। फिर ये जो छोटा सा ब्रश है ना, मैंने ये वाला लिया, ये देखो, ये और छोटे ब्रश होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आईज का मेकअप करेंगे ना, सबसे बड़ा ब्रश, फिर हमारे ब्रशेस भी छोटे होते चले जाएंगे। जैसे हमें सिर्फ ना यहाँ पर इंटेंस देना है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें डार्क वो देना है, तो यहाँ पर कलर डिपॉजिट करेंगे और फिर हम उसको वो करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे उसकी। ये देखो यहाँ पर हल्का सा कलर डिपॉजिट, अप्लाई एंड ब्लेंड, ABAB अप्लाई ब्लेंडिंग, मतलब मैंने ये देखा आई शेडो में ब्लेंडिंग ही ब्लेंडिंग है। बस बहुत थोड़ा थोड़ा कलर लो, हल्का सा कलर लो, उसको डस्ट ऑफ करो, उसके बाद अप्लाई करो और ब्लेंडिंग। मतलब वो इसमें बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है कि अगर हमें लगेगा ना हल्का सा हमारा कलर तो आ नहीं रहा, लेकिन ज़्यादा लेके एक ही बार में करा सारा आई मेकअप खराब हो जाएगा उससे। देखो मैंने इसलिए पहले हल्का हल्का धीरे धीरे करके शुरू किया, पहले बिल्कुल लाइट किया मैंने। देखो मैं आई शेडो मेरा कितना ब्लेंडेड लग रहा होगा, है ना, बिल्कुल ब्लेंडेड लग रहा है ना। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लिया और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, ये ब्राउन कलर का जो है ना बेसिक्स जो है बिगनर्स के लिए, बेसिक्स में ब्राउन कलर के आई शेडो से स्टार्ट करो ना, तो बड़ा बेसिक सा ठीक रहता है इसका। तो ये वाला छोटा सा ब्रश लेके फिर हमने यहाँ पर अगर कलर डिपॉजिट किया और इस तरह से किया, ठीक है। तो 1, 2, 3, ये वाला जो है थोड़ा सा ये फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश को यहाँ पर ग्लिटर वगैरह अप्लाई करना है, यहाँ बीच में शिमर शेड देना है, तो उसके लिए आईलिड पे सिर्फ जो हमारा आईलिड है ना उस पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये है। और ये छोटा सा पेंसिल ब्रश है, ये इसको नीचे अप्लाई करने के लिए, जो भी हमने ऊपर कलर दिया है ना उसी कलर को नीचे हम एक, ताकि हमारी आईज की पूरी सिमेट्री लगे, उसी कलर को नीचे देने के लिए हम ये छोटा सा ब्रश यूज़ करेंगे। पेंसिल ब्रश टाइप का है ये, इस तरह से आगे से बंद है इसका, तो ये हम इसको नीचे यूज़ करेंगे, नीचे यूज़ करेंगे ना, जो हमारा यहाँ कोने में शेड है ना,
थोड़ा सा ऐसे लिफ्ट अप होना चाहिए था, है ना। ये नीचे आ रहा है, इसको ऐसे करके ना अभी मैं यहाँ पे ना कंसीलर लगा के इसको थोड़ा सा लिफ्ट अप कर देती हूँ। देखो ये नीचे आ रहा है, ये इसको कंसीलर लगा के ऐसे ऊपर करती हूँ और यहाँ पर भी कंसीलर लगा के इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, तो ये यहाँ पर वी जो है अच्छा आ जाएगा। ये बहुत नीचे आ रहा है ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला पेंसिल ब्रश से करके हम वो लगाएंगे, और ये जो धीरे धीरे करके आगे आगे जैसे आता रहेगा ना हल्का कलर होता रहेगा, पीछे पीछे जो है डार्क कलर होता रहेगा। पीछे पीछे मतलब डार्क नहीं करना, जो आईज के यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे वही वाला। उसके बाद हम यहाँ पर इसी वाले ब्रश से आईज के इनर कॉर्नर्स पे हम हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। लगा के दिखाऊं, तो मेरी लाइट बहुत कम है, दिख ही नहीं रहा, इसमें दिख नहीं रहा, लाइट बहुत कम हो रही है। इसको तो मैं कंसीलर लगा के ना सही करती हूँ, जरा ऐसे उठाती हूँ इसको। हाँ तो ये इस तरीके से फाइव ब्रशेस है, प्लूम PLUME प्लूम। हाँ इसमें पता है एक और कंपनी है प्लम, सेम वो भी सेम कंपनी है, तो नाम ना ऑलमोस्ट सेम जैसे लगते हैं, पर ये वाली प्लूम है, प्लूम ठीक है। तो इसके हम ब्रशेज हैं आई मेकअप के ब्लेंडिंग ब्रशेज हैं, इसको हम ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे मेकअप ब्रशेज ढूंढ रहे हो ना, तो मैंने भी बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, एंड फाइनली मेरे को मिल गई ये कुछ बढ़िया से वाले, बहुत अच्छे हैं। इसके ब्रिसल्स भी सॉफ्ट है, आइस पर चुभते नहीं है, क्योंकि ऐसे ब्लेंडिंग करो ना अगर ब्रिसल्स हार्ड हो ना तो बहुत चुभते हैं आइस पर। हम अपना कर रहे हैं या किसी का कर रहे हैं तो फिर उसमें चुभते हैं ये, तो उस हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये जो इसका MRP है इन ब्रशेस का वो इसका MRP जो है 1750 है MRP, लेकिन इसमें जो ज़्यादा कभी भी डिस्काउंट आता था 5-10% डिस्काउंट आता था 1650 या 1600 के आसपास कुछ आता था। बाई चांस इनका शायद कोई बर्थडे बैच चल रहा था, कोई बर्थडे सेल चल रहा था इनका, उसमें इसका प्राइस आ रहा था 1312 रुपये। जैसे ही मैंने वो 1312 रुपये देखा, मैंने जल्दी से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। फर्स्ट टाइम मैंने खुद ही ऑर्डर कर दिया, ये तो ज़्यादातर मीशो ऑर्डर करती थी, तो फिर मैंने खुद ही ऑर्डर करके ये और ब्रशेस को मंगा लिया। एक दो दिन में अच्छी है डिलीवरी वगैरह भी ना, एक दो दिन में आ गया, मैसेज आ गया, आप अपने उसको ट्रैक कर सकते हो, तो अब हमने डिलीवर कर दिए ये वो करके आ गया, तो फिर दो दिन बाद ही आ गया, तो फिर हम इसको ले लिया। अच्छे ब्रशेज हैं, आप चाहो तो ले सकते हो। अभी पता नहीं ऑनलाइन में इसका कितना डिस्काउंट चल रहा होगा क्या है, पर मैंने देखने में लिया। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाय, आई लव यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।